सो करण और निहारा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में आप लोग लग रहे हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस गाने के साथ का? इस गाने के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, निहारा के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड जी जो हमारे डायरेक्टर थे, उनकी पूरी टीम के साथ बहुत ही अच्छे से हमने ये 3 दिन का शूट किया चंडीगढ़ के अराउंड, ये सारी लोकेशंस भी थी। एंड आई थिंक हंसते खेलते हुए कब टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला, और एक अच्छी वीडियो बन गई जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे ऑलमोस्ट अ मंथ की, क्या हो रहा है, क्या बन रही है ये वीडियो, कुछ समझ में क्या आ रहा है, कब निकलेगी। एंड इवेंचुअली जब निकली है तो ऑलरेडी अभी 24 घंटे हुए हैं, करीब 8.5 मिलियन हमने देखा है लास्ट तक। सो आई थिंक सबका प्यार मिल गया। जी हां ना जी, यस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम वर्किंग विद करण फर्स्ट टाइम, एंड वन थिंग आई मेंशन टू करण ऑन सेट आल्सो, आई से अगर किसी को पेशेंस सीखना ना, वो करण से सीखे, बहुत पेशेंस है करण के अंदर, एंड यस आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम करण, सो थैंक यू करण। Amazing team we had, Navjeet, he had made an amazing and beautiful video, what visuals he had made. And thank you Jovin again for giving me amazing song and beautiful song. Thank you Bhushan ji. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एज करण मेंशन, इट वाज 3 डे शूट, बट हमको एक्चुअली में नहीं पता चला 3 डेज कहां निकल गए। हमें कोई ऑल वर लाइक वी ऑल आई थिंक गॉट अलोंग सो वेल एंड वी वर रियली एंजॉयिंग इट। आई थिंक वो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, इट वाज ऑल, एवरीथिंग वाज वेरी नेचुरल। सो यस, वी ऑल हैड रियली फन एंड वीडियो अच्छी बन गई है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सो थैंक यू गाइस। हां आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑलरेडी फर्स्ट इंस्टेंस के बाद तो कोई अरेंज जो अंदर से है वही रियलिटी सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सो जब आपके कोई स्टार या जब भी कोई भी आपकी इस तरह से तारीफ करता है तो क्या फील करते हैं आप? वेल थोड़ा सा मैं भी तो हमेशा बस वहीं से ये सीखा है कि कभी कोई ऐप नहीं आया कि मैं कैरेक्टर बन गया या फिर इतना बड़ा नोन फेस ऑफ इंडस्ट्री बन गया कि घर घर में मुझे जानते हैं लोग, तो वो एटीट्यूड कभी नहीं आया, वो स्टारी टैंटम कभी नहीं आए, तो ऐसे कैसे ही रह गया मैं बस। So, but I enjoy this. That's a plus point. That's a plus point. That's why people love you. Even audience, that's why I think they love you. That's why you also love you. Yes. And now, if ये सब reason है कि अब हम देख रहे हैं 8.5 million अब तक का cross कर चुका है, so क्या feel करते हैं आप इस तरह से music video ऐसे जैसे जैसे growth बढ़ते जा रहा है, million बढ़ते जा रहा है, कल आया 24 घंटे भी अभी I think नहीं हुए हैं। हो गया अब। मैं जी करण and निशांत की कल evening में video देखी थी, Insta story, okay? जिसमें निशा वो सेइंग लाइक ओके आपको पता है मेरे टैटू की वीडियो पे 1 मिनट में इतने व्यूज हो गए एंड करण वाज शोइंग ऑफ ओके फॉरगेट अबाउट योर वीडियो मेरी वीडियो देखो 7 मिलियन क्रॉस कर गया है सो दैट्स अ फीलिंग ही इज गेटिंग एग्जैक्टली मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना जल्दी इतने सारे व्यूज भी हो जाएंगे हमारे वीडियो को सो जैसे कैरेक्टर डाला मैंने उसके बाद But the response was amazing. कल से फोन बंद ही हुआ है सबको भी, मैं मैसेजेस भी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, इतनी स्टोरीज भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग भी वी बीन इन टच एंड मीटिंग सीरीज आल्सो सेंडिंग सो मच स्टफ कि हम लोग उसको पोस्टिंग सब भी कर रहे थे। सो इन दैट ऑल एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स इतना मतलब अभी भी इट्स सिंकिंग इन कि अच्छा वीडियो इतने व्यूज हो गए हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, बट बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। एंड आई थिंक Fantastic.
and then for Diwali I went home. So I was continuously traveling and मेरे phone पे messages आ रहे थे सबको ये वाली video share करनी है, ये update करना है. So I was stopping my car on the way. मैं सड़कों पे खड़ी होके video bites बना रही थी. So it's like amazing response we are getting from people and everyone I think they love the video because overall अगर हम video की बात करें video looks like a short movie. वो एक song की तरह नहीं लगता है. So उसके अंदर बहुत सारे emotions हैं, बहुत सारे moments हैं. So I think that's why people are loving the video. Locations are amazing and then actors are amazing of course. So yeah, so we are like really really grateful to people that they all are giving us so much love. So अभी एक ही दिन हुआ है. So let's see how it goes. जी. And तब मैं नोएडा में था of course. So just one जी वहाँ पे थे. I still remember that I was just 20 something, not even 21 होने वाला था. 21 पे I had done my second video. Wow. So it was an amazing experience. पहली बार कैमरा के आगे 300 लोग के सामने कभी स्टेज पे गया नहीं. कोई कुछ एक्टिंग स्कूल में करी नहीं. Oh really? Nothing. Okay. No dramatics, nothing. Oh my god. And सीधा वहाँ से मेरा करियर की शुरुआत actually मेरी टीसीरीज से शुरू. पहली म्यूजिक वीडियो मैंने वहां से की, फिर उसके बाद कुछ और हुआ, फिर उसके बाद कुछ और हुआ. सो ऑफ कोर्स टीसीरीज के साथ एक नाता तो बहुत पुराना मेरा जुड़ा हुआ है. एंड टुडे आई हैव कम बैक टू एन अमेजिंग वीडियो शॉट विद देम. सो काफी मेमोरीज और काफी लंबा और पुराना एसोसिएशन है उनके साथ. So the same with me, हमेशा से TCS के साथ जो भी मेरी association रही है, it was always amazing. My first Bollywood launch was with TCS, which was in History 4. And उसके बाद मेरी आशिकी we did with TCS. And this is the third video. In between I did one Punjabi video with Namita, long time back, that was before History 4. So that was the first time working with TCS. So we have amazing relations and I think TCS they always have been really, 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 you know, amazing. And they have given me beautiful stuff. And this is the third video I'm doing with TCS. And but yeah, it's always been fun and it's always been really, really amazing experience working with TCS. So thank you, TCS. And I think already as a brand, TCS, you know, when they do stuff, मतलब वो फिर एक लगता है कि उस लेवल की चीजें भी होने वाली हैं. So कहीं ना कहीं the first thing that happened was कि अच्छा TCS का वीडियो है. Of course, हमें ये friend Shahid, so he was giving me the idea to do this. Okay, let's do this. And of course, पता चला 3 दिन का shoot है. अलग है. मतलब एक वो होता है कि कल से मुझे ये फीडबैक आ रहा है, आई थिंक यू विल आल्सो एसोसिएट विद दैट. इसके जो वर्डिंग्स हैं ये थोड़ा जुबान पर बैठ हैं और बहुत ही रोमांटिक था. रोमांटिक सैड, यू नो, इट्स दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी, छोटी सी फिल्म स्टोरी है जैसे यहां मैंने कहा. तो एक वो रिलेशन बन रहा है, एक वो आपको ज़हन में वो गाना बार-बार आप चलाना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में. या फिर बिकॉज़ ऐसे आजकल हम वर्डिंग्स कहां हमारे मुंह पे चढ़ते हैं बिल्कुल, तो याद Exactly. ऐसा कोई सॉन्ग अभी बहुत टाइम से आ रहा था. आया भी नहीं. So इसीलिए I think after lockdown and suddenly you know after all that music whatever was going on right now and suddenly it's a very different kind of song and even different kind of video. So I think that's why people are also liking it and then of course we have amazing memories. यार ये बहुत सारी कैमरीज है, उसके बारे में पूछोगे तो जी बिल्कुल. उसके बारे में हम इससे पर अलग से थोड़ा सा उसके बारे में बात डेफिनेटली करेंगे. लेकिन अगला मेरा यही सवाल था कि इस वीडियो में जितना मैं देख रहा हूँ कि एक स्टोरी के साथ साथ में जैसे कि जैसा लग रहा है कि 10 मिनट या 5 मिनट का ही है लेकिन ऐसा हम एक फिल्म देख रहे हैं. फिल्म के साथ साथ में देन गाना वो एंड जिस तरह से एंडिंग होती है, जिस तरह से एक दूसरे को दो वो भी बात करेंगे. तो ये बताइए कि इस तरह से जो प्रेजेंट किया गया है
कि एक स्टोरी के साथ में प्रेजेंट किया, लेकिन आजकल के जो हम गाने देख रहे हो डायरेक्टली हिप हॉप टाइप से स्टार्ट हुए, लेकिन इसमें एक स्टोरी के साथ में स्टार्ट किया गया, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देन उसके बाद बेवफा की बात करेंगे, तो पहले तो ये स्टोरी के साथ में जो स्टार्ट किया गया, स्टोरी लाइन बहुत ही प्यारी थी। दिखाया ये गया है कि मैं एक एस्टैब्लिश सिंगर हूं जो वापस आया है अपने रूट्स के लिए, एंड वहां पे उनका बेटा होता है, एंड देन आई थिंक महाराज के, सो इनके साथ ये एसोसिएशन था कि जब मैं इतना फेमस नहीं था, जब मैं गाना गाता था वो डांस किया करती थी, तो हम दोनों की एक लव स्टोरी वहां थी, एक दूसरे को चाहते थे और रोमांस हमारा चल रहा था, बट सडनली जब गुरु जी का बेटा आता है तो वहां से थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है, एंड वो एक ही टाइम पे शी इज लाइक एंड विद बोथ ऑफ अस, एंड शी इज काइंड ऑफ विद बोथ ऑफ अस, या शी इज काइंड ऑफ लाइक दैट, तो बेवफा, सो तो वो फिर वहां से कहानी घूमती है, एंड वो बीच लेता है दो बार की कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही दिख रहा है दोनों के बीच में, एंड देन शायद वो कहीं ना कहीं वो चीज को सिमेंट करके सोचता है कि मैं निकल जाता हूँ, एंड ये वहां से फिर eventually जो ताबीज होता है निकाल के फेंक देता है इसकी नीचे जो ताबीज कि टाइम आ गया है निकलने का, और फिर ये कुछ बन के वापस आता है, सो वही वो इट्स लाइक अ फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट, एंड उसके बीच में स्टोरी चलती है, eventually वो बस देखता है कि ठीक है नाउ यू विद हिम, बट कभी कभी ऑफ कोर्स तुम्हारी याद आती है, बट ऑफ कोर्स बेवफा तुम्हारा कहां सुन जाए। इहाना जी ऐसे बेवफा सुनना पसंद करती हैं आप? सी करण जैसा कि वीडियो में भी देखा, नहीं इन कैरेक्टर के बात कर रहा हूं, नहीं आई मीन ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ कैरेक्टर, ऑफ कोर्स इट्स अ कैरेक्टर, एंड बेस्ट पार्ट व्हेन आई स्पोक विद अभिजीत जब हम ये सॉन्ग को फाइनलाइज कर रहे थे, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने देखा उन्होंने मेरे को पूरा स्क्रीन प्ले लिख के भेजा, सो आई वाज लाइक यार लिटरली आई मीन फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई अंडरस्टूड यू नो इट्स नॉट लाइक अ म्यूजिक वीडियो, एंड आई ऑलवेज लाइक द कैरेक्टर जिसमें परफॉर्मेंस होती है, जिसमें यू कैन शो योर परफॉर्मेंस, यू कैन शो योर एक्सप्रेशंस, राइट? So when I saw and when I actually read that whole script he had sent me, okay, ये character का नाम ये था, यहाँ पे ये था, वहाँ पे ये था, I was like, you know, it was actually I was having the feeling that okay, I'm doing some like short movie. So then of course the way he has elaborated all the characters, जो मेरा character है, so it's like very classical first time on screen. So I was like very happy, okay, मेरे को कुछ different करने को मिल रहा है, so I was very happy about that. And the Muslim look they have given me, so that was okay. Also I was very happy because I always wanted to play that character because mostly people they say that okay, I look little Muslim. Common face structure में भी, so I think नवजीत ने जो character choose किए हैं, I think it was very good. मेरा character उन्होंने ऐसे mostly girl उन्होंने choose किया. करण का character is a classical singer, when he's sitting on harmonium and singing a song, you can actually feel that that's a real character. You know, वो सारे characters में real लग रहे हैं, all the moments are looking very real. So that's why I think music all the whole video has come out very beautifully. And अगर अभी आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा मेरे को फार मेरे को सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, सो सिंस यस्टरडे ऑल माय फ्रेंड सर्कल एंड एवरीवन ओके ऑफ कोर्स आफ्टर सीइंग द वीडियो दे बीन कॉलिंग मी दिस यू नो इन द टी सीरीज ने कि आपको देख के ये गाना बनाया मैंने मुझे भी आई वाला बिग ऑफ दिस इज नो इट्स यू नो द होल लाइन वाज वेरी वेल सेड बिग ऑफ तेरा मासूम चेहरा यू नो सो लॉट ऑफ पीपल इवन all my followers and everyone they have started sharing their experience with me जो उनके साथ पास में हुआ है जैसे उनके साथ ये वाला यू नो हार्टब्रेक हुआ था वो वाला हार्टब्रेक हुआ था they have started making videos on it they have started making reels on it so I think लोगों की life में ऐसे experience होते हैं so I think that's why people are you know really getting attached towards the video and towards the song and it's working very very well so and then Zumin की आवाज उसने जिस जैसे ये वाला गाना गाया वो सुनी वो सच में बहुत सुंदर का सॉन्ग है सो द वे ही हैज सेंड द सॉन्ग्स इट्स लाइक यू कैन एक्चुअली यू नो आप खो जाते हो वीडियो के अंदर सो व्हिच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो बिकॉज़ आप कैरेक्टर्स है उसके अंदर जो आप उसके अंदर खो जाते हो सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सो करण जी आपके थोड़ा लुक के बारे में जानना चाहेंगे बियर्ड में हमने आपको देखा है जिस तरह से पूरा गेटअप जी सो इसमें थोड़ी लुक भी बहुत अलग थी मेरी And I think the costumes were looking also very good. Yeah. So Shruti had done, Shruti, right? Yeah, Shruti. Shruti had done an amazing job actually.
आपका सवाल नहीं खत्म हो तुम्हारा? हाँ मतलब कितने? चलो फिर से रिपीट करो, थर्ड टाइम. So Swati has done an amazing job dressing us up. Shruti. So Shruti had done an amazing job dressing us up. मतलब हमारी पूरी वो मुस्लिम लुक जो थी तो कपड़े बहुत अच्छे लगे थे उसके, सब कुर्ता पजामा सब लाइक दैट. एंड जो दाढ़ी थी ऑफ कोर्स आई वाज ग्रोइंग इट फॉर माय पंजाब का जो शो है जी पंजाबी के लिए. सो जब कॉल यहाँ से आया कि आपको क्लीन शेवन लुक में मतलब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने बोला मेरे दाढ़ी है सो एंड मुस्लिम लुक है तो फिर वो अच्छा ही लगेगा दाढ़ी के साथ. सो और एक अलग लुक भी हो जाती है बिकॉज पीपल हैव बीन यूज्ड टू सीइंग मी क्लीन शेवन ओनली. But it was going very well with the character. Yeah, I think it was looking very nice actually. And who ek alag lag bhi raha hai, you know, you're in that character. Yeah. So I think that that suited well. And eventually, jab apne show ke liye gaya to wahan pe dal kar wahi. So then it became like this. So main ye ban gaya hu usme singer bana hua aaj se. So Punjab Police. And see that was the look, but I love the look and it's styling very nicely. So, yeah. And we're looking good also. मैं तो गलती नहीं देखी है, जो कुछ नहीं पता ना उसका पहनना था उसको, बिकॉज अपने टाइम पे भी जब मैंने किया था उससे पहले भी नहीं मुझे पता था कि क्या होता था ना बाद में, बिकॉज आई वाज ऑलवेज शूटिंग. आई थिंक सेम हियर बिकॉज आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स आई थिंक लुकिंग एट सो मैंने तो टीवी नहीं देखा. So, बस यही कहना चाहेंगे कि प्लीज आप इसे देखिए, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. एंड ये सीरीज का जो ये गाना है बहुत से आप आगे बढ़ाइए और हमें प्यार करते रहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कुछ और नया जल्दी से करें साथ में ताकि ऐसी कुछ सीरीज हो जाए हमारा जो एसोसिएशन है मतलब बी सीरीज के साथ और हमारा कुछ अच्छा हम लोग और नया भी करें आगे. So, guys, Keep on showering your love on us and subscribe to TV and thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you so much.